रहीम होटल गुरु से मोहम्मद यासीन आपके साथ है व्यूअर्स। यहाँ पे मैं कुछ अपडेट आपको देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। और व्यूअर्स आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी नारान के बाजार में। ये मेन नारान का बाजार है और इस वक्त जो चहल पहल है वो आप देख रहे होंगे किस तरह की रौनक लगी हुई है। ये अगस्त 18th की वीडियो है और आई डोंट नो आप इसको कल देखें या परसों देखें। बहरहाल मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रेवल करके आया हूँ इस्लामाबाद से और बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसी चीजें थोड़ी सी मिस रिप्रेजेंट हुई हुई है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, सैलाब की सूरत हाल है, इस तरह की ब्ला ब्ला ब्ला। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जी, और अगर आप खाइफ हैं इस चीज से तो इस खौफ को दूर करें और आए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसलिए कि यहाँ पे रश उस तरह नहीं है जैसे पीक दिनों में वो होता है, तो उसकी वजह से रेट्स काफी मुनासिब है। रूम्स के जो सबसे ज्यादा फैक्टर होता है जो आपके बजट पे असर अंदाज होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको वॉक अराउंड कराता हूँ, लोगों से भी मिलाता हूँ और कुछ शॉप्स का भी विजिट करवाता हूँ ताकि आपको फील आए कि यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है। तो चले मेरे साथ। अच्छा, ये व्यूवर्स आप पंजाब टिक हाउस देख रहे होंगे। बेसिकली मैं दिखाने का मकसद ये है कि ये एक बड़ा आइकॉनिक प्लेस है यहाँ पे बाजार में, जो लोग यहाँ पे आते हैं फैमिलियर हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे देखें क्या रश की सूरत हाल है ताकि आपको पता चले जी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वीरान हो गया है, वीरानी छाई हुई है और जो है डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अंदर, थोड़ा सा जो है वो देखते हैं यहाँ पे। चलो तो ये जी काफी रश वाली सूरत हाल है यहाँ पे, ये देखें भरा हुआ। तो कौन कहता है कि नाराज जो है वो बड़ा हो गया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये देखें मतलब फुल पैक है हाउस, ठीक है। तो अब कुछ लोगों से भी पूछते हैं और अच्छा, ये हम देख रहे हैं जी रश की जो है वो सूरत हाल, और ये शॉप्स हैं वो भी आपके सामने हैं। ऑलमोस्ट सारी शॉप्स खुली हुई हैं, कोई ऐसा नहीं है कि शॉप वगैरह बंद है। ये भाई भी देखें रश काम है लेकिन बहरहाल खुली हुई है ना ये। और भैया खैरियत है, ठीक हो? तो कैसे सूरत हाल कैसी है रश वगैरह की? हाँ कम है, रश कम है लेकिन बहरहाल इस तरह तो नहीं है कि बिल्कुल खाली हो गया जैसे हम सुन रहे थे। अभी हालात नॉर्मल है, फिलहाल खाली तो नहीं हुआ सर, बिल्कुल खाली तो हुआ था पहला एक हफ्ता डेढ़, काम बिल्कुल बंद था दुकानें। तो अब ठीक हो गया ना? अभी थोड़ा नॉर्मल है सर जी, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान में कि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, असल में वो मसला नहीं है। पहले सीजन में काम ठीक था माशाल्लाह, लेकिन जब नारायण का वो इशू हो गया ना रास्ते का, तो उसके बाद काम थोड़ा स्लो है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, माशाल्लाह रश ज्यादा है बाजार में। तो ये कहने का मकसद ये है कि रश कम है लेकिन आप लोग आएंगे तो रश होगा ना, ठीक है ना? तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अच्छा, हमारे पास एक सांगड़ से भाई आए हुए हैं यहाँ पे, टूरिस्ट हैं, तो उनसे भी पूछते हैं जी आपको क्या लगा, पहले डर लगा आपको आते हुए? नहीं नहीं जैसा सुन रखा था ये था कि रास्ते में पता नहीं क्या होगा, वो पुल टूटा हुआ था उसकी वजह से बोल रहे थे, पुल जो है वो बनाया था उसके बाद फिर टूट गया, तो पता नहीं क्या पानी का जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब लोकल आवाम जो है वो डरी हुई थी। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब था थोड़ा बहुत इशू लेकिन वो है कि हमारी गवर्नमेंट ने वो क्लियर कर दिया, बिल्कुल जो है वो सही हो गया। अभी ये है कि मतलब दोबारा से रश वगैरह होना स्टार्ट हो गई है और बहुत ही जबरदस्त मौसम है यहाँ का। ये है कि आप लोग भी सब लोग आए यहाँ पर, बहुत अच्छा मौसम है, एंजॉय करें। तो ये सूरत हाल जी, ये देख लें आप, क्या हाल भाई ठीक हो? तो ये देखें ये भी एक आइकॉनिक प्लेस है,
और रश की सूरत हाल आप देख रहे हैं, तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आप अगर तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है ना, तो मेरी तरह आप अपनी गाड़ी छोड़ के आ जाएं, ठीक है, कलेक्टिवली कोई गाड़ी करवा लें या बसेस, जैसे इस्लामाबाद से मेरा ख्याल है वो क्या नाम है उसका, फैसल मूवर्स वाले, फैसल मूवर्स वाले आते हैं इस्लामाबाद से जिससे मैं आया हूँ, और इसके अलावा जो है लाहौर से भी मेरे ख्याल वो चलती है, ठीक है। तो क्या हो रहा जी, तो शुगर मेला चल रहा है इधर, ये देखेंगे। तो और किसी टूरिस्ट को भी देखते हैं, अगर कोई हमसे बात करना चाहे तो उनसे भी ओपिनियन लेते हैं। बहरहाल आपको जो अपडेट करना मकसद था वो ये था कि ऐसा नहीं है कि बड़ा डिजमल सूरत हाल है, नॉर्मल है, हालात जो है काफी नॉर्मल है। इधर क्या है, अच्छा मार्केट्स, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लें, शॉप सारी ओपन है जी, कोई भी शॉप मैंने बंद नहीं देखी वैसे, जिस तरह एक नॉर्मल हालात के अंदर शॉप्स होती हैं, तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस रिवाइव हो गया है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी स्टिल लोग काफी डरे हुए हैं। तो सूरतेहाल काम है जी, कंट्रोल्ड है, अच्छा ये काफी बड़ी, अंदर भी बाजार है, अंदर भी मार्केट है यार, ये तो पूरी एक ऐसे लग रहा है जैसे अर्बन एरिया जो इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, उस तरह की एक मार्केट लग रही है। ये देखें जी बस, तो इस वक्त जो है वो तकरीबन ये रात के 10 बजे हुए और हालात आपके सामने हैं, ठीक है जी। अच्छा हमारे साथ बाबर भाई, बाबर भाई क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल यासीन भाई होटल गुरु की तरफ से आपको नारान में वेलकम कहते हैं, खुशी हुई आपको देख के कि एक कितने बड़े वाकये के बाद, सैलाब के बाद आपको दोबारा नारान में देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह नारान की रौनकें दोबारा से बहाल हैं और स्मूद हैं। आने वाले जितने भी हमारे टूरिस्ट भाई हैं सबको खुशामदीद, और सुकून के साथ, तसल्ली के साथ आप लोग फैमिली के साथ आ सकते हैं नारान में। अल्हम्दुलिल्लाह नारान एक अमन का कस्बा है और इसी तरह रहेगा, और इंशाल्लाह हमारे होटल वालों की तरफ से यही कोशिश है कि जिस तरह हमने पहले टूरिस्ट के साथ हमने कम्प्रोमाइज किया है, इसी तरह हमारी कोशिश है कि हम आगे भी चलेंगे और इसी तरह पुरामन एक एरिए को पुरामन तरीके से अमन अच्छा अपने को बाल रखेंगे। फिर ये बताओ कि रेट होटल के अट्रैक्टिव हो गए हैं, ये बताओ जी। रेट के हवाले से मैं ये कहूंगा कि पहले तो ये था कि ऑन सीजन में रेट्स तो हाई थे, तो अभी ये है कि जिस तरह फ्लो कम हो रहा है तो रेट्स भी होटल के कम हो गए हैं। तो अभी जो कमरा 20,000 का मिल रहा था फॉर एग्जांपल, वो अभी कितने का मिल रहा है? वो आपको जो 20,000 वाला रूम था वो मिनिमम आपको अभी 11 से 12 हज़ार में मिल रहा है, और मेरा ख्याल इससे भी कम होगा, इससे भी कम, लेकिन 11 से 12 हज़ार एक स्टैंडर्ड आपको मिल रहा है, और जो के लो बजट वाले लोग हैं उनको ये है कि इससे भी कम, 4-5 से भी आपको 3,000 के लगभग भी मिल रहा है जी, अच्छे रूम बिल्कुल। तो ठीक है, इसको रैप अप करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी, वेलकम। अच्छा व्यूवर्स, सर मैं इसको सम अप करता हूँ, इस वक्त नारान जो है उसकी सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मलाइज है, ठीक है, और आइडियल अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ऐसे मौके की तलाश में होते हैं जब रश कम हो, रेट्स कम हो। तो अगर आपको छुट्टियां हैं तो डू प्लान योर विजिट, और प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आप अपनी जो रेनी सीजन है, मतलब अगर ओवर कॉस्ट हो रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आए, और अगर कोई ड्राइवर एक्सपर्ट है तो उसको साथ ले लें, अदरवाइज गाड़ी सारी आ रही है, कोई मसला नहीं है, आप खुद भी ड्राइव करके आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग होटल गुरु यूट्यूब चैनल, मोहम्मद यासीन आपसे इजाजत चाहता है, अल्लाह हाफिज़।